आज मैंने ये फ्रिज वाली जो बास्केट होती है ना, वो क्लीन की है, और सब्जियां बीन्स वगैरह आई हैं आज, तो वो क्लीन की है। बास्केट क्लीन की तो उसमें से खूब सारे लेमन निकल आए। एक्चुअली लेमन घर से आए थे, मम्मी ने भेजे थे, बट वही है ना, गर्मियों में तो थोड़े यूज़ हो जाते हैं, सर्दियों में बस वो सूखने लग रहे थे। तो मैंने सारे लेमन ना इस तरह से एक बॉटल में भर लिया जूस बना के, थोड़ा सा तो बॉटल में रखूँगी और बाकी मैं इस तरह से ना क्यूब जमा दूँगी। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, इस तरह से यूज़ भी हो जाएंगे और वो ख़राब होने से बच जाएंगे। अदरवाइज़ डांट पड़ने वाली है कि कुछ चीज़ भेजो तो ढंग से रखते नहीं हैं। और ये छिलके वगैरह तो अभी मैं देखती हूँ, उनको बॉईल करके ना इनका पानी से फिर क्लीनिंग के लिए यूज़ करूँगी, बाथरूम वगैरह क्लीन करने के लिए। और आपको बाहर से ना आवाज़ आ रही होगी, तो वहाँ पर ना शादी हो रही है, और ये पहाड़ी शादी है, क्योंकि इसे ढोल से पता लग रहा है कि पहाड़ी शादी है। हम लोग क्या, ये ढोल और रणसिंगा बजता है ना, देखिए ऐसे तो नहीं पता लगता ना, शादी तो सब एक सी होती है आजकल, बट ये जो आवाज़ है ना ढोल की, ये पहाड़ी ढोल की आवाज़ है। आपको दिख रहा है, मैं जूम कर देती हूँ, ये देखिए वो नीचे कहीं घर है, मुझे यहां से नहीं दिख रहा है, छत से दिखता है ये। तो ये लोग डांस कर रहे हैं, दूल्हा दुल्हन नहीं आए, उनकी विदाई चल रही होगी ना, नीचे चल रहा होगा रोना धोना, और यहाँ पे ये लोग डांस कर रहे हैं। तो एक ही फंक्शन में ना दो तरह के इमोशन, लड़के वाले डांस कर रहे हैं और नीचे लड़की वाले विदाई की वजह से रो रहे होंगे, तो वो ये एक ही फंक्शन में दो दो इमोशन देखने को मिलते हैं। और डांस काफी अच्छा कर रहे हैं लोग। बहुत इजी हो जाता है, जस्ट एक क्यूब निकाला, एक शुगर क्यूब निकाला और ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। सर्दियों में तो खैर नहीं जरूरत पड़ती थी, पर हाँ पोहा वगैरह के लिए कभी नहीं होता लेमन ना घर पे, तो उस टाइम पे ये काम आएगा। तो उसमें सारे बड़े नहीं बना रही, कुछ तो मैं हाफ फिल करूँगी, कई बार बहुत ही कम लेमन की ज़रूरत पड़े ना। वैसे तो ये बॉटल भी फ्रीज़र में रखी जा सकती है, बट ना क्या होगा कि एक साथ जम जाएगा, फिर आपको ना पूरा ये डिफ्रॉस्ट करना पड़ेगा और फिर दोबारा से फ्रीज करना पड़ेगा, तो उससे ना ये ख़राब होने के चांस होते हैं। क्यूब्स में क्या, एक क्यूब निकालो और बाकी का फ्रीज़र में रख दो, तो वो ख़राब नहीं होगा। और इनको मैं क्यूब्स में ऐसे भी नहीं रखूँगी, इनको क्यूब्स बना के ना फिर एक जिप लॉक पाउच में या किसी बॉक्स में रख दूँगी, उससे निकालना बहुत ईजी हो जाता है, जैसे फ्रोज़न मटर वगैरह रखती हूँ ना मैं, बिल्कुल वैसे। तो ये थोड़ी देर की मेहनत है मेरी आज की, बट ये मुझे काफ़ी दिन हेल्प करने वाली है। ये दो ट्रे मैंने रख दी हैं, ये ऊपर वाली में तो थोड़ा सा कमी जूस है, नीचे वाली फुल कर दी है। तो ये फ्रीज़र में मेरा काफ़ी सामान स्टोर रहता है, एक्चुअली बड़ा है फ्रीज़र, तो ये सब है इसमें। फ्रोज़न मटर, ये कोकोनट, आंवला भी है, जैसे आंवला ज़्यादा हो जाते हैं ना, काले हो जाते हैं, तो आप ऐसे फ्रीज़र में रख दो, ठीक रहते हैं। ये कैरी है इसमें, जो आम होता है ना कच्चा आम, वो भी ग्रेट करके रखा हुआ है। एक और में क्या, कोकोनट है। इसी तरह ये सारे क्यूब्स क्यूब्स बने हुए हैं। इसमें दाल है, बॉइल्ड दाल, और ये चने हैं ख़राब हो रहे थे, तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया। ख़राब होने मतलब मुझे हल्का सा लगा कि ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए रखा। ये बॉइल्ड है दाल, तो जब भी कभी इमरजेंसी में आप लेट हो जाते हैं या कुछ भी ना, बाहर से कई बार आते हैं तो दाल बॉइल हो तो फटाफट से हो जाता है, तो मैं इसको फ्रीज़र से निकाल के रख देती हूँ, बस फिर से दाल बनाते हैं। ऊपर है चीज़ के पैकेट, ये है कॉर्न, उसके पीछे भी ऐसी रैंडम स्टफ़ है जो मेरा रहता है फ्रीज़र में, तो पूरा पैक्ड है फ्रीज़र। अभी जगह है घर, वो अस्त व्यस्त है ना थोड़ा सा। और इधर कुछ ऐसी चीज़ें जो रेयर ज़रूरत पड़ती हैं, बट पड़ती तो हैं ही, वो चीज़ें हैं यहाँ पर। मोटा तो लग रहा है काफ़ी, ऐसे हल्का हल्का शेड। और आज काफ़ी सनी डे है, और आज काफ़ी दिनों से ड्यू काम हो रहा है, यानी कि रेलिंग पे हम लोग प्लांट और कपड़े टांगने के लिए एक एंगल्स लगा रहे हैं, तो यही भाई आए हैं, ये काम कर रहे हैं। आज बास्केट क्लीन हुई है, तो कुछ कुछ सब्जियां निकली हैं, तो वो मैं कट करूंगी, और साथ ही कॉर्न और ये पीस हैं फ्रोजन वाले, वो मैंने भिगो दिए हैं। यहाँ पे न्यूट्री नगेट और चावल मैंने सूख करके रख दिए, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ, गेस कर सकते हैं। मैं बना रही हूँ मटर पुलाव,
मटर नहीं, मतलब वेजिटेबल पुलाव है, खूब सारी वेजिटेबल जाने वाली हैं, थोड़ी सी बीन्स हैं, गाजर हैं, वो सब इसमें डालूंगी क्योंकि आज काम चल रहा है और अभी काफ़ी देर चलने वाला है तो बहुत टाइम नहीं मिलेगा ये करने का। तो बस आज फटाफट से ये लंच बनाते हैं, उस छुट्टी का दिन है ना तो नाश्ता अच्छे से हो गया, तो अब इस टाइम किसी को ज़्यादा भूख नहीं लगती बट लंच तो बनना ही है तो इसलिए ये बनेगा पुलाव हमारा आज तहरी। ये बीन्स जो मैंने सुबह धो के रखी थी ना अभी सूख गई हैं थोड़ी सी, ये मैं इस तरह से साफ़ करके रख देती हूँ ऊपर और नीचे से कट करके, तो जब भी बनानी हो ना तो ईजी हो जाती है। बिल्कुल बारीक कट करके तो मैं नहीं रखती क्योंकि किसी भी रेसिपी में कैसे डालना है वो पता नहीं होता ना, तब जब बनानी हो तब पता चलेगा। तो इस तरह से साफ़ करके रख दो ना तो ईजी हो जाता है इसको करना। तो थोड़ा सा मैं पुलाव में डालूंगी अभी, यहाँ मैंने थोड़े से गाजर भी डाल दिया इसमें, तो ये सारी मिक्स वेज टाइप पुलाव बनने वाला है। अच्छी है, ये लोग काम कर रहे थे तो मुझे लगा अभी लंच बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कर तो पाएंगे नहीं जब तक काम ख़त्म नहीं होगा, तो मैंने तब तक सब्जी क्लीन करने का काम शुरू कर दिया क्योंकि बीन्स को क्लीन करने में काफ़ी टाइम लगता है। पुलाव के लिए तो मैंने अलग से काट के रख दी हैं बट बाकी सब्जी को मैं इस तरह से कट करके अलग से रख दूंगी। तो आज दिन काफ़ी अच्छा है, मतलब धूप वाला दिन है तो काफ़ी सारी सफाई वगैरह सुबह से हो चुकी है और ये जो काम था पेंडिंग वो भी आज हो रहा है। अभी घर दोबारा से गंदा हो गया है मेरे लिए, तो शाम तक का काम ये बन गया है। बट ये है कि लंच वगैरह का मैं प्रिपेयर करके रख दूँ तो फिर मैं भी फ्री हो जाऊँगी जैसे ये लोग जाएंगे सफाई वगैरह करके, क्योंकि मेड तो जा चुकी है, अब जो भी होगा गंदगी वो सब मुझे ही साफ़ करनी पड़ेगी। तो बस यही सोच के मैं अपना रात का काम भी फटाफट फिनिश कर रही हूँ। थोड़ा सा तेज पत्ता और जीरा डाला है तेल में, फिर इलायची और काली मिर्च, इसके बाद मैं बाकी सब्जियाँ फ्राई करूँगी। प्याज और बीन्स मैंने कट कर ली हैं, तो ये है यहाँ पे प्याज और बीन्स और बाकी की सब्जियाँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ इसमें डाल दी हैं, लहसुन वाली भी और बाकी जो सब्जियाँ थी उनका भी टाइम लगेगा कुक होने में, तेज आंच कर दी है मैंने। और यहाँ पे बन गई है चाय, चाय बन रही है भैया लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, और साथ में है टाइगर बिस्किट। सर्दियों में ना चाय बने कोई भी किसी के लिए भी बने ना थोड़ी सी बच जाती तो मन करता है कि चलो खुद ही पी लो, तो यही मैं भी कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी चाय बची थी तो वो मैं अपने लिए, सब्जियों का कलर भी इतना मज़ेदार आ रहा है, उसकी खटखट बहुत हो रही है। मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थोड़ा सा गरम मसाला और ये है चिकन मसाला, बिरयानी मसाला खत्म है, सारे मसाले मैं घर पर ही बना दूँगा, तो अभी जो भी ख़त्म हो बस मैंने लिस्ट में लिख दिया है सामान आना है और फिर बन गए ये सारे मसाले, फिल करके रखूँगी। बरसात में एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं बनाती, थोड़ा थोड़ा बना था जो बचा हुआ था ना वही यूज़ हुआ मेरा बरसातों में, तो बस अब मौसम ठीक है तो अब बनाऊँगी और फिर रखूँगी गर्मियों तक चलती हूँ आराम से। मैंने नमक भी ऐड कर दिया और एक तीन सीधी साबुत लंबी मिर्ची डाल दी मैंने, कट करके डाल दी ना कई बार फट जाती है तो बहुत तीखा हो जाता है, तो स्लो हो रहा था। वैसे भी ना धूप में भी ऐसा आता है अजीब सा। ये है हमारा आज का लंच, खूब सारी वेजिटेबल के साथ पुलाव और बूंदी का रायता जो कि हमारे यहाँ बनता ही रहता है, और कोई रायता बनता ही नहीं है, यही पसंद है अनंत को तो यही बनता है।